Hello everyone, I am Ashish Labre, trainer from CSE department, SysTrack Bhopal. Today we are going to learn application transport method from unit 3, Internet of Things. So let's get started. हम पढ़ रहे हैं application transport method, जिसे ATM भी कहा जाता है, और इसमें included है supervisory control and data acquisition. इसे short form में SCADA जैसे कहा जाता है. तो स्केडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. अब जैसे यहाँ पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में देखिए कि लेफ्ट साइड में एक रोबोट जैसा कुछ मशीन्स है और एक फैन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है. तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस है. यहाँ की इंफॉर्मेशन स्केडा प्रोसेस करेगा, फिर स्केडा से हम IoT में ट्रांसमिट करेंगे. और IoT में क्या होता है कि डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, हम इसे एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है उस इंफॉर्मेशन पे कर सकते हैं. स्केडा कंसिस्ट ऑफ PLCs एंड RTUs, सेकेंड इज सुपरवाइजरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज डेटा एक्विजिशन सिस्टम. अब PLCs एंड RTUs, अब ये क्या है? PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स है, जो सेंसर्स को इंटरफेस करता है, मशीन्स को कनेक्ट करता है, सेंसर्स को कंट्रोल करता है, मशीन को कंट्रोल करता है, सेंसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करता है. उसे PLCs यूज़ होते हैं. PLC जनरली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. अगर हमें स्मॉल स्केल में अगर यूज़ करना है तो हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन PLC बहुत ही ड्यूरेबल है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. दैट्स वाई इंडस्ट्रीज़ इसे ही प्रीफर करते हैं. RTU भी रिमोट टर्मिनल यूनिट से, ये भी इंटरफेसिंग के ही काम आता है सेंसर्स और मशीन को. नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी सिस्टम्स, सिस्टम दैट अलाउ सुपरवाइजर्स टू मॉनिटर देयर मशीन्स. जैसे इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स पे मॉनिटर करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इस तरह से यहाँ पे सुपरवाइजरी सिस्टम्स होते हैं जो मशीन्स को कंट्रोल करते हैं. हम मशीन्स को रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं. मैं इसका आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा बाद में. ये रियल टाइम कंडीशनिंग मॉनिटरिंग करते हैं, अलार्म भी रेज कर सकते हैं. मैं भी आपको एक अलार्म सिस्टम का भी एक डेमो दिखाऊंगा. नेक्स्ट इज डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स. यही सिस्टम है जो PLC RTU से डेटा कलेक्ट करता है. PLC RTU के अलावा भी हम माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई बेस्ड मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट टू द वेब सर्वर. अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम कलेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई बड़ी मशीन लगी है, वहाँ पे कोई टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है वहाँ के टेम्परेचर को. अगर मुझे वो इंफॉर्मेशन रिमोटली मॉनिटर करनी है तो मुझे वो इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना पड़ेगा? TCP/IP के थ्रू इंटरनेट पे भेजना ही पड़ेगा. उसे मुझे कहीं ना कहीं किसी वेब सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में रीड कर सकूँ. अब स्केडा को एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझ के देखते हैं. फर्स्ट, सुपरवाइजरी कंट्रोल. अब ये छोटा सा एक आर्किटेक्चर मैंने बनाया हुआ है. यहाँ पे जो एक PLC को हमने रिप्लेस किया है ESP8266 जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर के ब्लॉक में, ये ESP8266 एक वाईफाई मॉड्यूल है, एक छोटा सा कंट्रोलर है जिसमें IO पिंस होती है जो डिवाइसेस को कंट्रोल एंड मॉनिटर कर सकता है. यहाँ पे देखिए कि ये कनेक्टेड है एक रिले मॉड्यूल को. ये 4-चैनल रिले मॉड्यूल है. उसके बाद एक कॉन्टैक्टर है और एक लाइन है. ये एक्चुअल लाइन मतलब ये AC लाइन होती है. कॉन्टैक्टर यूज़ होता है हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए, और ये रिले मॉड्यूल से इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए. उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे आप वहाँ पे रिमोटली नहीं, लेकिन अगर आप सिस्टम में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो तो आप इस डिस्प्ले में भी देख सकते हैं. यहाँ पे DC पावर पे चलने वाला ये सिस्टम है. अब ये सिस्टम करता क्या है? ये सुपरवाइजरी कंट्रोल है अगर मुझे रिमोटली कुछ एक्सेस करना है उसके लिए. अब ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है. यहाँ देखिए अपाचे HTTP सर्वर है. यहाँ पे एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन होगा जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे इस डिवाइस को. ये डिवाइस उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उसके हिसाब से ही इस कॉन्टैक्टर को 4-चैनल रिले मॉड्यूल को एक्सेस करेगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस 4 चैनल रिले में से किसी एक चैनल को मुझे अगर ऑन करना है, तो मैं इसी सर्वर से एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूंगा और ये रिक्वेस्ट जाएगी HTTP के थ्रू। तो ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास, सर्वर से इस मॉड्यूल के पास जाएगी, फिर इस मॉड्यूल के थ्रू हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करेंगे ताकि वो AC सप्लाई ऑन हो। मतलब हम रिमोटली कहीं से भी, किसी भी इंडस्ट्री, होम, कहीं भी, कोई भी AC सप्लाई, AC अप्लाइंसेस, AC डिवाइस को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी रिमोटली। इसी को कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। वहाँ डिवाइस के पास होना ये कंपलसरी नहीं है। यही खासियत है IoT की। नेक्स्ट एग्जांपल है डेटा एक्विजिशन का। अब यहाँ पे हमने 2 कंट्रोलर्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट है ATmega 328। ATmega 328 ये एटमेल कंपनी ने बनाया हुआ एक कंट्रोलर है, और सेकंड है इसमें ESP8266 वाईफाई। हमने 2 कंट्रोलर यूज़ किए हैं। अब ऐसा क्यों किया है? जो ATmega 328 है उसमें एनालॉग पिंस ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 सेंसर को इंटरफेस किया है, जिसमें से एक वोल्टेज सेंसर और एक करंट सेंसर। तो इसको हमने मल्टीपल में यूज़ किया है, 2 वोल्टेज सेंसर और 2 करंट सेंसर। अब ये सेंस करेगा वोल्टेज एंड करंट। हो सकता है ये किसी डिवाइस पे कनेक्टेड हो, किसी मशीन्स को कनेक्टेड हो, तो मशीन से वो इन्फॉर्मेशन लेगा कि उस मशीन का वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है। ये इन्फॉर्मेशन ATmega 328 के पास आएगी। ये कंट्रोलर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवाएगा, और फिर इन्फॉर्मेशन को किसे ट्रांसमिट करेगा? ESP8266 वाईफाई। अब ये वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस है। अब इसके पास जब डेटा आएगा, ये फिर इंटरनेट से सर्वर पे सिंक्रोनाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो भी इसके पास आएगी ATmega 328 से, ये किसे ट्रांसमिट करेगा? अपाचे सर्वर, जहाँ पे एक डेटाबेस रहेगा। अब डेटाबेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने MySQL यूज़ किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन MySQL डेटाबेस में अपडेट हो रही है। PHP की स्क्रिप्ट रन हो रही है सर्वर साइड पे, जिसी कारण ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में अपलोड हो रही है। और फिर हम एक वेब एप्लीकेशन इसमें होस्ट करते हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। हम, मैं इसको आगे आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, कैसे स्केडा एक्चुअल में वर्क करता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ESP8266 वाईफाई एज अ गेटवे यूज़ कर रहा है, क्योंकि ATmega 328 में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम IoT कनेक्टेड करें, इंटरनेट कनेक्टेड करें। तो इसलिए हमने ये मॉड्यूल ESP266 एज अ गेटवे यूज़ किया, ताकि वो यहाँ से डेटा ले और फिर इंटरनेट के थ्रू सर्वर को ट्रांसमिट करे। चलिए छोटा सा डेमो देखते हैं। हार्डवेयर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर पे इसका डेमो दिखा पाऊँगा। मैंने खुद का API डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम कोई भी सेंसर्स की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं और वेब पेज पे देख सकते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्रोजेक्ट सेट करके रखा है। अगर मैं यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग करता हूँ, तो फिर मुझे फिर से प्रोजेक्ट को सेट करना पड़ता है, लेकिन हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखना है। अब अज्यूम करते हैं कि हार्डवेयर सर्वर से कनेक्टेड है और हार्डवेयर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सर्वर को ट्रांसमिट कर रहा है। अगर वही इन्फॉर्मेशन मुझे डेटाबेस से फेच करके देखनी हो, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। करंट डेटा के अंदर मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे जो लास्ट इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड हुआ है डेटाबेस में, वो है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 60%। अगर आपको ऑल डेटा देखना है, तो हम ऑल डेटा भी देख सकते हैं। अब यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है कि कब, कितने बजे, कौन से डेट को टेम्परेचर क्या था और ह्यूमिडिटी क्या था, ये हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये होता है एक्चुअल स्केडा में। अब इस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, इसमें AI लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये सुपरवाइजरी कंट्रोल, जो इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस से फेच करके देख रहे हैं।
अब ये इन्फॉर्मेशन कोई यूज़र नहीं भेज रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम हार्डवेयर, वहाँ कोई यूज़र बैठा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रिमोट कंट्रोल। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस एप्लीकेशन के थ्रू ओनली मॉनिटर कर सकते हैं, हार्डवेयर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बस उसे रीड कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई डिवाइस को कंट्रोल करना है तो मैं उसका भी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने उस एप्लीकेशन को खुद के ही साइट पे होस्ट किया हुआ है, तो वहीं से उसको ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट्स IoT बेस्ड पावर एंड बेल मैनेजमेंट, इसे मैंने 2 साल पहले बनाया था, 2-3 साल हो चुके हैं। एक कॉलेज है दत्ता मैकी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो वहाँ पे ये डिवाइस लगा हुआ है। हम अब इस डिवाइस से होता क्या मैं आपको बताता हूँ, तो मैं सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए 2 मेन टैब्स है, फर्स्ट इज स्विचिंग, सेकेंड वन इज बजर। स्विचिंग यूज़ किया जाता है अगर मुझे घर बैठे कहीं से भी उस पर्टिकुलर क्लासरूम की होल इलेक्ट्रिसिटी को अगर मुझे ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ हमने 3 क्लासरूम्स को कनेक्ट किया था। अगर अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अब देखिए ऑन हो चुकी है। तो हार्डवेयर साइड में क्या होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, सर्वर पे, और सर्वर किसे ट्रांसमिट कर रहा है, उस पर्टिकुलर IoT डिवाइस को, और वो डिवाइस उस क्लासरूम को कंट्रोल कर रहा है। अब क्लासरूम 1 ऑन हो चुकी है, ये क्लासरूम 2 भी ऑन हो चुकी है, और क्लासरूम 3 भी, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। इस तरह से हम डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक और मैंने फीचर डाला था बजर, ये बजर मतलब ये होता है कॉलेज की बेल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर बेल को ऑन ऑफ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ टाइमिंग्स ऐड करनी है और उसी टाइम पे बेल बजने लगेगी। आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। ये होता है एक्चुअल कंप्लीट स्केडा, लेकिन हम इसे स्केडा नहीं कह सकते, ये हमने बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो स्केडा जो होता है वो इंडस्ट्री में ही यूज़ करते हैं। अब हमने स्केडा को इंटर IoT में लाया हुआ है, तो हम खुद का स्केडा बना सकते हैं। अब ये हो गया खुद का स्केडा, जिसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल भी हो रहा है, हम अलार्म जनरेट भी कर रहे हैं और डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं। रेफरेंसेस, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ltzone.com इस साइट से ली है, और जो प्रोजेक्ट का डेमो है उसका मैंने URL दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।